भारतीय रेलवे ने रथ यात्रा 2024 के दौरान भारी संख्या में तीर्थयात्रियों की आमद का सफलतापूर्वक प्रबंधन किया। दिल्ली, हाजीपुर, गोरखपुर, कोलकाता, जयपुर, भुवनेश्वर, प्रयागराज, मालीगांव। भारतीय रेलवे ने शुभ रथ यात्रा अवधि के दौरान पुरी से 15 लाख से अधिक यात्रियों के सफल प्रबंधन और परिवहन की व्यवस्था की व्यापक तैयारियों और अभिनव उपायों के साथ भारतीय रेलवे ने उत्सव में भाग लेने वाले भक्तों के लिए एक सुगम और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित की। रथ यात्रा व्यवस्थाओं की मुख्य विशेषताएं। भारी यात्री आवागमन। भारतीय रेलवे ने 15 लाख यात्रियों को कुशलतापूर्वक ले जाया, जिससे ये सुनिश्चित हुआ कि ये रथ यात्रा अवधि के दौरान सुरक्षित और आराम से अपने गंतव्य तक पहुंचे। 2. तीर्थयात्री शेर और मेला। शेर एक बार में 15,000 तीर्थयात्रियों भक्तों को समायोजित करने के लिए पूरी रेलवे स्टेशन पर अस्थायी और स्थायी मेला शेड बनाए गए, जिनमें विश्राम, शौचालय और स्नान की सुविधा प्रदान की गई थी। ओडिशा भर में कनेक्टिविटी। ओडिशा के 25 जिलों को पुरी से जोड़ने वाली विशेष ट्रेनें चलाई गई, जिससे भक्तों के लिए आसान पहुंच की सुविधा मिली। 4. AI आधारित डायनामिक शेड्यूलिंग सिस्टम का उपयोग करके विशेष ट्रेनें चलाई गई, जिससे भारतीय रेलवे को उच्च मांग वाले गंतव्यों के लिए तुरंत अतिरिक्त ट्रेनें उपलब्ध कराने में मदद मिली। 5. विशेष ट्रेनें त्योहार के दौरान कुशल परिवहन सुनिश्चित करने के लिए तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए 315 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई गई। 6. पड़ोसी राज्यों से संपर्क। आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम और पलासा, छत्तीसगढ़ में जगदलपुर और रायपुर, और पश्चिम बंगाल में हावड़ा, सियालदह और मालदा टाउन सहित पड़ोसी राज्यों को रथ यात्रा के लिए पुरी से जोड़ने वाली विशेष ट्रेनें। महोत्सव के दौरान किए गए उपाय। भीड़ प्रबंधन। पूरी रेलवे स्टेशन पर भीड़ को प्रबंधित करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल के जवानों को तैनात किया गया था। 2. नियंत्रण कक्ष। यात्रियों की समस्याओं को दूर करने और सुचारू ट्रेन संचालन सुनिश्चित करने के लिए 2400 घंटे नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया था। 3. घोषणाएं। पुरी और ईस्ट कोस्ट रेलवे ऐप के अन्य स्टेशनों पर प्रभावी घोषणाएं की गई। 4. ट्रेन सूचना प्रणाली। पूछताछ काउंटर पुरी रेलवे स्टेशन पर PA सिस्टम लगाए गए, जिनमें रणनीतिक रूप से स्थायी पूछताछ काउंटर और ट्रेन के आगमन और प्रस्थान की जानकारी प्रदर्शित करने वाली बड़ी वीडियो वॉल शामिल थी। 5. सुगम टिकट वितरण। अतिरिक्त टिकट बुकिंग काउंटर, ATVM काउंटर और मोबाइल टिकट काउंटर उपलब्ध कराए गए। रथ यात्रा सुविधाओं से संबंधित जानकारी के लिए UPS ऑन मोबाइल ऐप और ECOR यात्रा ऐप लॉन्च किए गए। 16. सुरक्षा और संरक्षा। CCTV निगरानी, RPF, GRP और खोजी कुत्तों की तैनाती सहित व्यापक सुरक्षा उपाय लागू किए गए। आपातकालीन स्थितियों के लिए अग्निशमन कर्मियों और अग्निशामक यंत्रों को रणनीतिक रूप से रखा गया। 7. चिकित्सा सुविधाएं। पूरी रेलवे स्टेशन पर एम्बुलेंस सेवाओं के साथ साथ डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल कर्मचारियों से सुसज्जित चिकित्सा सहायता बूथ 2400 घंटे चालू थे। 8. बिजली और पानी की आपूर्ति। त्योहार के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति और लगातार पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की गई, साथ ही आपात स्थिति के लिए पानी के टैंकर तैयार रखे गए। 9. स्वच्छता। रथ यात्रा के दौरान सार्वजनिक उपयोगिता वाले क्षेत्रों में स्वच्छता और सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया। 10. खान पान और आतिथ्य। पूरी रेलवे स्टेशन पर फूड प्लाजा के अलावा चाय, नाश्ता, पानी की बोतलें और जनता भोजन की व्यवस्था की गई थी। प्रमुख मार्ग के स्टेशनों पर अतिरिक्त खाद्य स्टॉल संचालित किए गए थे। 11. शौचालय और स्नानघर। स्थायी और अस्थायी दोनों मेला शेडों में पर्याप्त शौचालय और स्नानघर की सुविधा प्रदान की गई थी। 12. यात्री सहायता डेस्क। यात्रियों को मार्गदर्शन करने, ट्रेन के शेड्यूल, यात्री सुविधाओं और रथ यात्रा के अनुष्ठानों और समय के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए सहायता डेस्क स्थापित किए गए थे। 13.
प्रकाश व्यवस्था, पूरी रेलवे स्टेशन पर रोशनी, पंखे और अन्य यात्री सुविधाओं के निरंतर संचालन के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई थी। भारतीय रेलवे को शुभ रथ यात्रा उत्सव के दौरान पुरी की यात्रा करने वाले यात्रियों से प्राप्त अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया को साझा करने में खुशी हो रही है। भारतीय रेलवे द्वारा प्रदान की गई व्यापक व्यवस्था और सुविधाओं की देश के विभिन्न भागों से आए श्रद्धालुओं ने बहुत सराहना की है। गुजरात से आए एक यात्री श्री शैलेंद्र रत्नाकर कुले ने बताया, मैं रथ यात्रा को देखकर आश्चर्यचकित था। रेलवे प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन, पूरी स्टेशन पर उपलब्ध कराई गई सुविधाओं और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा। हम 3 दिनों से यहाँ है। रेलवे द्वारा स्टेशन क्षेत्रों में उपलब्ध कराई गई सुविधाएं सराहनीय है। हमने मेला शेड में विश्राम किया और हमें नहाने और शौचालय में कोई परेशानी नहीं हुई। रेलवे प्रशासन द्वारा निःशुल्क भोजन की भी व्यवस्था की गई थी। मोबाइल चार्जिंग, पंखे की उपलब्धता और अन्य सुविधाओं के प्रावधान ने सुनिश्चित किया कि हमें कोई परेशानी न हो। हम हर साल रथ यात्रा देखने आएंगे और रेलवे की व्यवस्थाओं को कभी नहीं भूलेंगे, बलागीर से आए एक जोड़े ने बताया। हम राजस्थान से रथ यात्रा देखने आए हैं। पुरी पहुंचने से पहले हमें आश्रय की चिंता थी, लेकिन रेलवे द्वारा उपलब्ध कराए गए आश्रय ने हमारी चिंता कम कर दी। सुरक्षा सुविधाओं सहित व्यवस्था बहुत बढ़िया तरीके से की गई थी। मेला शेड में आश्रय ले रही राजस्थान की एक महिला यात्री ने बताया, रेलवे द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाएं सराहनीय है। चार्जिंग पॉइंट से लेकर एक ही छत के नीचे कई अन्य व्यवस्थाएं, सब कुछ अच्छी तरह से प्रबंधित किया गया था। अतिरिक्त बुकिंग काउंटर, पंखे, सफाई, शौचालय, सुरक्षा व्यवस्था, सूचना प्रणाली, डिस्प्ले बॉल, पेयजल और चिकित्सा सुविधाएं सभी उपलब्ध थी। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया है, कटक के एक यात्री ने कहा। श्रद्धालुओं, तीर्थयात्रियों से मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया। रथ यात्रा शामिल होने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए एक आरामदायक और सुरक्षित अनुभव सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा समर्पण और सावधानी पूर्वक योजना को रेखांकित करती है। भारतीय रेलवे सभी यात्रियों के लिए निर्बाध और आरामदायक यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे रथ यात्रा जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों की सफलता सुनिश्चित होती है। लागू किए गए व्यापक उपाय बड़े पैमाने पर तीर्थयात्रियों के आवागमन के प्रबंधन में भारतीय रेलवे के समर्पण और दक्षता को उजागर करते हैं।